सत श्री अकाल दोस्तों, आज आपको बताएंगे जो भी मिक्सिंग करते हैं, जो वो शादियों की एडिट करते हैं। आज आपको बताएंगे एक साथ एक्सपोर्ट कैसे लगाई जाती है, डीवीडी रेंडर कैसे लगाई जाती है, एक साथ सभी को कैसे लगाते हैं एक्सपोर्ट। अभी पहले आपने सबसे पहले वीडियो को इसमें डाल लेना है, इसमें डाल लिया तो होम का बटन दबाना है। होम का बटन दबाकर तो जितनी भी हमने एक्सपोर्ट लगानी है, मान लो 1 घंटे की लगानी है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, आपने जितनी भी लगानी है वहाँ पर ये जो है हमारी ये सुई है, वहाँ पर रोककर इसको ओ का बटन दबाना है। पहले होम का दबाना है और जितनी भी आपने वीडियो रेंडर लगानी है, एक्सपोर्ट लगानी है, वहाँ पर इसको रोककर ये निशान सुई वहाँ पर रखकर ओ का बटन दबाना है, ओ का। और दोस्तों ये इतनी सिलेक्ट हो गई और यहाँ पर जाना है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। क्लिक किया और बैच एक्सपोर्ट लिखा रहा है, बैच एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है और ये आ जाता है दोस्तों, ये आ गया। और राइट क्लिक कर पहले लेफ्ट करना है क्लिक, न्यू आ गया, फिर राइट करना है तो आगे जाकर इस पर क्लिक करना है और नीचे जाकर एम पेज, आप जिस पर भी सपोर्ट करते हैं, रेंडर करते हैं, इस पर मैं इस पर करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करना है और जहाँ पर आपने रेंडर लगानी है, मान लो जहाँ लगानी है वहाँ डीवीडी लिखकर और बेटर देनी है, जितनी भी आपने देनी हो ऐसे देकर बेटर सेव कर देनी है। सेव किया, यहाँ पर आ गई। अगर फिर दोबारा लगानी हो फिर इस पर आई का बटन दबाना है, इसको हिलाना नहीं है, यहाँ पर ही आई का बटन दबाना है और अगली स्पोर्ट जितनी भी लगानी हो, डीवीडी रेंडर आपने लगानी हो, उस पर फिर ये इसको रोककर ओ का बटन दबाना है। ओ का दबाकर यहाँ पर आकर न्यू, न्यू पर क्लिक कर देना है, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक कर फिर राइट। दोबारा बता देता हूँ, पहले लेफ्ट करना है तो न्यू आ जाएगा, फिर राइट करना न्यू पर तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और एम पेज, फिर उसी तरह डबल क्लिक और डीवीडी और एक्सपोर्ट, इसको दबाना है, जितनी भी आपने एक्सपोर्ट देनी है और सेव कर देना है। बाद जहाँ से एक्सपोर्ट, जहाँ पर एक्सपोर्ट ला देनी है, एक्सपोर्ट लगा कर दोनों जितनी भी आपने रेंडर की होगी इसमें, इसी तरह 8, 10, 12 जितनी भी आप करनी चाहते हो एक साथ कर सकते हो और इसे एक्सपोर्ट ला देना है, ये लग जाती है। ठीक है जी,